नमस्कार, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन, मेजेंटा लाइन पर दौड़ेगी ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरुआत की। यह मेट्रो ट्रेन जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर चलेगी। बाद में 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 3 साल पहले मेजेंटा लाइन का उद्घाटन किया गया था और आज इसी लाइन पर ऑटोमेटेड मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, जो ये दिखाता है कि कैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि सुधारों से वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट मेट्रो पर पूरी तरह संचालित होने वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उद्घाटन भी किया। यह सुविधा 2022 तक पूरे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर मिलने लगेगी। दुनिया के 46 देशों में चल रही ऑटोमेटेड मेट्रो ट्रेन काफी सुरक्षित है कंट्रोल सिस्टम। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अनुसार 2019 तक दुनिया के 46 शहरों में 64 ऑटोमेटेड मेट्रो ट्रेन चल रही थी। दुनिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन 1981 में जापान के कोब शहर में शुरू की गई थी। वही ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम इतना सेफ है कि अगर दो ट्रेन एक साथ ट्रैक पर आ जाए तो एक ट्रेन तय दूरी पर अपने आप रुक जाए। इस मेट्रो ट्रेन में सफर के दौरान किसी तरह के झटके आदि का एहसास नहीं होगा। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम से लेस है, जो वाईफाई की तरह काम करता है। यह मेट्रो को सिग्नल देता है जिससे ट्रेन चलती है। कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस, राहुल गांधी एक दिन पहले ही विदेश रवाना। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने आज अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। दूसरी ओर पार्टी के स्थापना दिवस से एक दिन पहले ही राहुल गांधी विदेश दौरे पर रवाना हो गए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत यात्रा है। राहुल गांधी ऐसे समय पर विदेश गए हैं जब एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। वहीं कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली और युवाओं को साथ जोड़ने के लिए सेल्फी विद तिरंगा अभियान शुरू किया। बेल्जियम में कोरोना संक्रमित सांता ने बांटे गिफ्ट, 139 लोग बीमार, 18 लोगों की मौत। बेल्जियम में सांता क्लॉज से गिफ्ट लेने एक केयर होम में रह रहे लोगों के लिए भारी पड़ गया। सांता क्लॉज के कोरोना संक्रमित होने की वजह से वहां रह रहे 121 लोग और 36 स्टाफ मेंबर भी संक्रमित हो गए, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो गई है। डेली मेल के अनुसार एंटवर्प के केयर होम के कर्मचारी वहां रहने वाले बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाने के लिए सांता क्लॉज से गिफ्ट दिलवाना चाहते थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कोरोना संक्रमित है। केयर होम से जाने के बाद जब उसने अपनी जांच कराई तो उसे कोरोना संक्रमण का पता चला। इसी बीच केयर होम में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने सांता क्लॉज को सुपर स्प्रेडर करार दिया है। स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में क्वारंटाइन किए गए 200 ब्रिटिश पर्यटक फरार। स्विट्जरलैंड के बर्वियर के स्की रिजॉर्ट में क्वारंटाइन किए गए करीब 200 ब्रिटिश पर्यटक रात के अंधेरे में भाग निकले। इससे कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलने का खतरा बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजॉर्ट में 420 ब्रिटिश पर्यटकों को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन इसमें से लगभग 200 पर्यटक रात के अंधेरे में रिजॉर्ट से चले गए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद वहां से फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया है और स्विस सरकार ने ब्रिटिश पर्यटकों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार 14 दिसंबर के बाद ब्रिटेन से आए लोगों को 10 दिन तक क्वारंटीन में रहना होता है। लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर प्लेयर ऑफ द सेंचुरी बने रोनाल्डो। पुर्तगाल और यूवेंटस के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया। रोनाल्डो को यह अवार्ड 2001 से 2020 तक लीग और इंटरनेशनल फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। रोनाल्डो ने अर्जेंटीना और बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर यह अवार्ड जीता है। 5 बार के बेलोन डी और विजेता रोनाल्डो का यह इस साल का दूसरा अवार्ड है। इससे पहले उन्हें गोल्डन फुट अवार्ड दिया गया था। गोल्डन फुट अवार्ड 28 साल या इससे ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों को पूरे करियर में एक ही बार दिया जाता है। वहीं बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।